और इसलिए मैंने बनाई योजना कि मेरी बहने गरीबों, निम्न मध्यम वर्गियों, दो ही जाति की हो, दो ही धर्म की हो, मैंने कोई भेद नहीं किया। हर बहन के खाते में सरकारी कर्मचारी की तरह हर महीना पैसा आएगा, हर महीना पैसा आएगा। बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों, कैसी है योजना? आज बहनों की आवाज ये भाई सुनना चाहता, कैसी योजना है? ये मेरी बहनें हैं, मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। 1000 रुपया के लिए परेशान बहने रहती थी, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, माई के भी जाना हो तो चिंता रहती थी, भैया के बेटा बेटी को क्या ले जाऊं, पैसे ही नहीं है। और कभी पतिदेव से मांगे तो वो कहते थे जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। तो भैया काय के लिए ये तुम्हारा? इसलिए 1500 रुपये के लिए मेरी बहनों को हाथ फैलाने नहीं दूंगा, हाथ फैलाने नहीं। इसलिए ये योजना बनाई। और सुन लो मेरी बहन, मेरे भांजे भांजी, तुम भी सुन लो, मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार, मेरा परिवार। बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा? और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? ये हमारा परिवार है। और मेरी जिंदगी का उद्देश्य है अपने इस परिवार की, अभी मैं बोलूं उसके बाद बताना, बिठाओ मेरे, अभी अभी मेरी बहनों और भाइयों, ये मेरा परिवार है, अंतरात्मा से परिवार मानता हूं। और जिनको जलना है जलने दे, मैं अपने इस परिवार की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं रहने दूंगा। और बहनों, अभी तो 1250 रुपया मिल रहा है, 1000 से बढ़ा के मैंने 1250 किया, अब पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत सा लगता है ना भैया, अगर 1000 रुपया ही दो, 1000 रुपया दो तो 1 साल में 15000 करोड़ देना पड़ता है। बेटी क्या करती है मुझसे? अच्छा, ये बेटी आई थी मेरी, कहाँ गई बेटी? क्या कह रही हो बताओ, क्या कह रही हो? जी, मैं है ना कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं में प्रथम आई थी, और आपने उसके तहत मुझे स्कूटी प्रदान की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चलें। ये मेरी स्कूटी वाली बेटी है मेरी, ये बेटी कह रही मेरे घर चलें। कितनी दूर है बेटी यार? अच्छा, चलो जल्दी सभा करके तुम्हारे घर भी चलेंगे। ये प्यार है, ये मेरी भांजी, इस संबंध को कौन समझेगा? कांग्रेसी तो नहीं समझ सकते, लेकिन पैसे की व्यवस्था करके 1500 रुपया करूंगा, फिर और 250 बढ़ा के 1750, फिर और बढ़ा के 2000। अब हर बार बढ़ाने में जरा 4-4, 6-6 महीना लगेंगे। हाँ भाई, झूठ नहीं बोलता भैया साहब। और उसके बाद 2250, उसके बाद 2500, फिर 2750, और फिर कितने दूंगा? अरे भांजे भांजी बोला मेरी बहना, और तुम तो बोलो कितने दूंगा? 3000 दूंगा। अब कांग्रेसी बड़े परेशान है, चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मामा कह रहा 3000 दूंगा, तो दूंगा, तुम क्या पूछा था, तुमने दिए क्या? तुम्हें कौन ने रोका था? अरे जब बेगा भाजिया बहनों को मैंने 1000 रुपया देना शुरू किया था, तो आज प्रियंका गांधी साहब मध्य प्रदेश आई है, प्रियंका जी जवाब दो, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मेरे 1000 रुपया जो गरीब बेगा भाजिया बहनों को देता था, वो पैसे ही बंद कर दिए, गरीब बहनों के पैसे रोक लिए। और प्रियंका गांधी, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें भी, तुम्हारे भाई ने कहा था श्री राहुल गांधी जी, 10 दिन में सबका कर्जा माफ, बोलो कहा था कि नहीं? माफ हुआ क्या? प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारे भाई श्री राहुल गांधी जी ने कहा था
को ढेरा दिया क्या? ये झूठे लोग, इनने झूठ की दुकान खोल रखी है, झूठ की दुकान। शायद इनके परिवार ने इनको झूठ बोलना ही सिखाया है। आज वो कह रही थी कि 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मेरे बेटा बेटियों, 1 लाख भर्ती निकाली, उनमें से 65,000 को नियुक्ति पत्र तो अभी अभी दे चुका हूं, 3-4 महीने में अभी दे चुका हूं। इतना झूठ तो मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे। लेकिन ऐसा झूठ बोला जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर को हमने 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज का दिया। 35 लाख बहनों और भाइयों को स्वरोजगार लोन स्वरोजगार का देकर काम से लगाया। और मेरे बेटा बेटियों, अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई, जिसमें अगर धार इंदौर कहीं भी काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया मामा दिलवाएगा, ताकि काम सीख लो और फिर परमानेंट रोजगार मिल जाए। लेकिन कांग्रेस को केवल झूठ बोलने से काम है। अभी शिकायत कर रहे हैं कि मामा के पैसा बंद करवाओ। अरे काय को बंद करवाओ पैसे? चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरी लाडली बहनों, वैसे तो हो ही नहीं सकता, कांग्रेस आ नहीं सकती, पिछले बार धोखा हो गया था। लेकिन कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, क्योंकि तो बंद कर दे सब। अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी इनने, बुजुर्गों को हम तीर्थ ले जाते थे रेल से, कमलनाथ ने तीर्थ यात्रा पे भी ताला डाल दिया, बोले नहीं होगी, मैं फिर से आया तो तीर्थ यात्रा चालू। और अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। भैया ये बताओ, हवाई जहाज में क्या बड़े बड़े नेता ही बैठेंगे क्या? बता, अरे धनु पन्ना कल्लू पन्ना को भी हवाई जहाज में घूमने दो यार, मामा का राजा क्या चिंता कर। हम जमाना बदलने निकले। मेरे किसान भाइयों, बहनों को 1250 आ रहा है, 1,000 रुपया अपने खाते में भी तो आ रहा है, 6,000 पीएम के, 6,000 सीएम के, पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, और आगे देखते जरा इंजाम हो जाने तो 1,000 ही थोड़ी रहने देंगे यार। ये कर्जा माफी से कई गुना बेहतर है हर एक के खाते में पैसा डालना। बोलो सही बात है कि नहीं? एक एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ के खाते में भी डालो ना भैया पैसे, सबको लेन दो, सबको लेन दो। ये भारतीय जनता पार्टी, अगर नहरों से नर्मदा भैया का पानी किसान भाई लाए हैं तो कांग्रेस ले जाई, हम लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आज कालू भाई, आपने मुझे आवेदन दिया सरदार सरोवर परियोजना में डूब प्रभावित नागरिकों को पूर्ण सहायता और पुनर्वास पैकेज, जिनकी जमीन डूबी है, गांव डूबे हैं, मैं प्रणाम करता हूं और उनको पूरा न्याय देने का वचन देता हूं। जो कमियां रह गई बैठेंगे, कालू जी, सोमानी जी, राजभर साई जी, विनोद, आप तो बैठो, ले आओ मामा खाल के लिए, मेरे पास पैसे की कमी वमी नहीं है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। तो पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या को बन गया भैया? अरे धनु पन्ना कोई को बिठा दोगे तो मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी माँ के आशीर्वाद से मैं कहता हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, माँ की कृपा। और इसलिए और सुन लो 3-4 बातें, जो संकल्प है हमारा। नंबर 1, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनेगा, जिनके पास नहीं है या घर छोटे पड़ गए, पट्टा देके फ्री में जमीन देंगे, मालिक बनाएंगे। और दूसरी बात सुन लो, कई लोग अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़ी में, पीएम आवास स्कूल के नाम अभी आवास प्लस में भी नहीं, तो उनके भी मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बात बताओ भाई, अपन तो बात कर रहे हैं, उनके भी बनना चाहिए।
मेरे भांजे भांजी जरा जरा से अभी मैं आ रहा था तो भीड़ में दब रहे थे तो अभी चिल्ला रहे थे मामा 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 टपरिया में कोई नहीं रहेगा, झोंपड़ी में कोई नहीं रहेगा जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मैंने बना दी है, पक्का मकान बनाने का पैसा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी, अरे बड़ा नहीं हो छोटा सा तो हो जाए, ये हक है और इसलिए हक भी देंगे। रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। उज्ज्वला वाले लाडली जो बहना है उनको, कई को शुरू हो गया कई के नाम, और लाडली बहना में भी सुन लेना कई के नाम छूट गए भाई, छूट गए कई छूट गए, दस दस बीस बीस बहने रहेगी गाँव में। अब वो क्या रही है, मैंने पूछा क्यों छूट गया, बोले क्या करे भैया, हमने कहा मिलेगा थोड़ी वैसे ही क्या रहे, तुम भर नहीं पाए, कोई की कोई कार्रवाई रह गई। तो ऐसी सब बहनों के नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, चिंता मत करना। और मुझे बेटियां मिली मेरी, कहने लगी मामा हमको 21 साल में शादी हो जाए तो ही पैसे दे, तो हमें अभी नहीं करनी, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे। तब अपनी बेटियों को भी 21 साल से ज्यादा उम्र की दूंगा, पढ़ने दो, पैसा भी लगे तो क्या देगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा, ये अपने परिवार की सत्ता। मेरे बच्चों तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सीएम राइज स्कूल बना है, बहुत अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38-38 करोड़ रुपया, लैब लाइब्रेरी स्मार्ट क्लास। मैं सच कह रहा हूं, गरीब और किसान के बेटा बेटियों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस लेने आएगी बस छोड़ने जाएगी का। और मेरे बच्चों चिंता मत करना, सारी व्यवस्था परफेक्ट करूंगा स्कॉलरशिप की, 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपये मेरे साइकिल के डाले, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,500 रुपये साइकिल के, और 12वीं में अच्छे नंबर लाओ 75% मामा लैपटॉप दिलवाएगा, लैपटॉप कमलनाथ ने बंद कर दिया, हजारों भांजे भांजियों को दे दिए मैंने लैपटॉप। और अभी मेरी बेटी आई थी स्कूटी वाली, मैंने तय किया है कि अपने गांव में एक बेटा एक बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे मामा उनको स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी क्यों दिलवाएगा, उसके पीछे का राज भी सुन लो। मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं, जैसे माँ अपने बेटे बेटी से कहती मान जा टॉफी दूंगी, मान जा टॉफी दूंगी, मत कर टॉफी दूंगी, मैं करूं बेटा बेटी पढ़ लो स्कूटी दूंगा, पढ़ लो स्कूटी दूंगा, पढ़ लो स्कूटी दूंगा, इससे क्या फायदा होगा, और मैंने से पढ़ेंगे और मैंने से पढ़ेंगे तो मामा तो काम मामा का काम हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे। और पढ़ने के बाद एक बात और सुन लेना, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, प्राइवेट में भी हुआ तो इंडियन जैसे मेडिकल कॉलेज की फीस 13-14 लाख रुपया था। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या, बोल के बताओ, किसानों को दे सकते हैं क्या, उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा, जोर से सब सुन लो, मामा भरवाएगा। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देगा मामा, उनको ऊंचाई पे ले जाऊंगा मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये जिंदगी बदलने लोगों के लिए। और एक बात और, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, जो अगली बार मैं करूंगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार कम से कम मिल जाए, चाहे वो शासकीय नौकरी का हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजना का हो, चाहे वो सीखो कमाओ से हो, किसी को फालतू नहीं घूमने देंगे, कोशिश करेंगे कि सबकी जिंदगी संवर जाए और सारे परिवार सुखी हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए मामा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
अपना देश चहुमुखी प्रगति कर रहा है। अब तो अपन भी चांद पे पहुंच गए, अपन ने भी वैक्सीन बना दी है और मंदिर तो धूमधाम से बन ही रहा है। कांग्रेस ही कहते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब सुन लो तारीख, मंदिर बन रहा है 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तारीख सुन लो।